वाईफाई एक्सटेंडर का मतलब क्या है, और बहुत सी डिवाइसेस के साथ मतलब राउटर्स के साथ वाईफाई एक्सटेंडर लोग यूज़ करते हैं, और मुझे भी ये चाहिए था, और किस तरह से मैंने अपने वाईफाई को काफ़ी ज़्यादा रेंज में उसे एक्सपेंड किया। तो आज ऐसा एक्सटेंडर हम देखेंगे जो कि वाईफाई के मतलब वाईफाई के थ्रू आपका रिपीटर जो एक्सटेंडर है वो रिपीट करेगा और आपका जो वाईफाई होगा वो एक्सपेंड करेगा। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपने एक्सटेंडर की तरफ। तो हमेशा की तरह दराज से शॉपिंग की, इसलिए कि यार कोई प्रोडक्ट रिटर्न भी करनी हो तो इजीली हम रिटर्न कर सकते हैं। तो सिंपल इज दैट, मैंने इसको पहले से यूज़ किया और इसको यूज़ किया ताकि देख लो भाई काम कर भी रहा है या नहीं करा, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। तो अब पैकिंग कुछ इस तरह से आई थी, तो इसको मैंने ओपन किया। वैसे पैकिंग काफ़ी अच्छी सॉलिड थी, और ये जो बुलबुले हैं ना, तो मैं तो भाई फ्री में आ जाए तो इसको ऐसे फाड़ने लग जाता हूँ। तो इसे साइड पर कर दें, और हमारा एक्सटेंडर यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रंट में देखें तो वाईफाई एक्सटेंडर जो है यहाँ पे इसका वैन वगैरह सब कुछ, मोर रेंज फॉर एवरी वैन नेटवर्क, तो सब कुछ यहाँ पर दिया गया। लैपटॉप, वाईफाई, पीसी, 300 Mbps का ये ट्रांसफ़र करता है रेट, एंड यहाँ पे तस्वीर पिक्चर दी गई है जो हमारा एक्सटेंडर है। साइड पर अगर देखें तो साइड पर भी वही सब कुछ दिया गया है। दूसरी साइड पर भी देखिए कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। तो वाईफाई रिपीटर है, पैकेज कंटेंट है, RJ45 केबल है, एंड यूज़र मैनुअल है इसमें। एंड बैक पे अगर हम आए तो वायरलेस एंड वाईफाई रिपीटर, मोर रेंज फॉर एवरी वे WLAN नेटवर्क। तो कुछ फीचर्स दिए गए जो कि अमेरिका, ब्राज़ील और स्पेन है आई थिंक, सो इन तीन कंट्रीज का यहाँ पर लोगो दिया गया है। एंड यकीनन ये मेड इन चाइना, और यस ये मेड इन चाइना। और कुछ यहाँ पर हमें बैक साइड पे राउटर का कुछ एक्सटेंडर जो है हमारा उसका कुछ बताया गया, मतलब थ्रू पिक्चर, थ्रू इमेज के कैसे ये वर्क करता है। और अब इसको ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं इसमें है क्या। तो सिंपल इज दैट जो इसका बॉक्स है भाई कुछ बड़ा ही मुरझाया हुआ सा है, तो हमें अपनी प्रोडक्ट से मतलब है, इससे मतलब कोई नहीं है। सबसे पहले अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पर RJ45 वाली केबल, यस RJ45 केबल जो हमारे पास यहाँ पे आती है, जो कि अच्छी क्वालिटी में भी लग रही है और नई भी अच्छी इस तरह की लग रही है, क्योंकि यार बड़ी डिसेंट टाइप है और नई इस तरह से लग रही है। एक तो छोटी और वायर जो है इसकी बस एवरेज ही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है सॉकेट्स। अब सॉकेट्स का यहाँ पर मोर इम्पॉर्टेंट काम है भाई कि सॉकेट्स क्यों हमें साथ दी जाती है, अभी बताता हूँ आगे। साथ में हमें हमारा एक्सटेंडर दिया जाता है एंड यूज़र मैनुअल दिया जा रहा है, और यूज़र मैनुअल के अलावा यहाँ पे बॉक्स पे भाई साहब ने कुछ अपना बताया है कि अगर आपको हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगी तो बस ये हमारे काम का तो है नहीं। तो भाई ज़रूर अगर एक्सटेंडर ने सही वर्क किया तो आपको 5 star 5 star रेटिंग भी दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास यह यूज़र मैनुअल है, अगर पढ़ना है आपने पढ़ लें। तो हमारी ये वायर है RJ45, इस केबल है, सबको पता है क्या करती है। सॉकेट्स पर आते हैं, तो सॉकेट्स में हमारे पास 3 सॉकेट्स हमें दी गई हैं, चौथी जो है इसके साथ लगी हुई है। तो सबसे पहले ये छोटी वाली सॉकेट दी जाती है, क्योंकि अब अगर हम लोग वाईफाई या फिर हमारे पास चार्जर जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जर्स होते हैं, तो हमें अगर हमारे पास इस तरह का एक पोर्ट आता है तो हमें दूसरा एक्सटेंडर साथ में लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर हम अपने सॉकेट में लगाते। तो इस भाई साहब ने मतलब के जो प्रोडक्ट है इसके अंदर काम ही ख़त्म कर दिया, उन्होंने सारी सॉकेट जो हैं तो उन्होंने साथ दे दी, साथ में इंक्लूडेड ये वाली सॉकेट ज़्यादातर चलती है, ये भी साथ में इन्होंने सॉकेट दे दी। तो अब रिपीटर पे आते हैं, मतलब कि मैं इसे रिपीटर बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर रिपीटर लगा है। वाईफाई रिपीटर एक्सटेंडर बेसिकली होता है। अब ये इस तरह से काम करता है कि आपने ये सॉकेट जो है अपने जो स्विच है उसमें लगा देनी है। लगाने के बाद आपके पास ये जो लाइट्स हैं, ठीक है, ये लाइट्स जो हैं ये ऑन होंगी, और ऑन होने के बाद आपने सीधा चले जाना है अपने, तो आपने कनेक्ट कर लेना है इस रिपीटर को। ये पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं ऑन रहेगा। ऑन होने के बाद अगर आपने परचेज़ की तो आपको वीडियो का लिंक या फिर वीडियो उसी दराज के सामने वाले जो प्रोडक्ट है उसमें मिल जाएगी। आप देखेंगे तो आपको बताएगा कि इसकी IP पेस्ट करनी है। IP के बाद जो पेज आएगा उसके सामने आपने एडमिन लिखना होगा। अंदर जाके जो सामने वाईफाई जितने भी आपके अगर घर लगे हुए, एक लगे हुए, तो उसको आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद
आपने इसको सिंपल मतलब लगाए रखना है तो तभी आपको शो आउट करेगा, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब वहाँ पे अगर बहुत दूर आपका वाईफाई लगा, आपने इसको बहुत इंटरनली कहीं या फिर दूसरी या फिर तीसरी मंजिल पे अगर लगाना हो, तो सिंपल आप इसको लगाएंगे, वो जो वाईफाई तीसरी नीचे मतलब के सबसे फर्स्ट फ्लोर पे लगे, आप थर्ड फ्लोर पे इसको लगा देंगे, तो जो फर्स्ट फ्लोर वाला अभी जो आपको सिग्नल दे रहा है राउटर, वो सही नहीं दे रहा, जस्ट एक सिग्नल दे रहा है, ठीक है, वो कनेक्ट होगा इससे, और ये जो होगा आपको आगे से फुल सिग्नल प्रोवाइड करेगा थर्ड फ्लोर पे, इसका ये मकसद है। और साथ में इसका हमें यहाँ पे लैन भी दी गई है, आई थिंक सो ये लैन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है या फिर आगे शायद किसी को कनेक्शन भी हम लोग इससे दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो सॉकेट है ये हम इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, थोड़ी सख्त है ये, फिर टूट ही ना जाए यार, बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है, इसको निकाल भी लेंगे। तो साथ में हमें वायरलेस एंड रिपीटर का कुछ यहाँ पे दिया जाता है, भाई एडमिन यूज़र पासवर्ड जो है क्या है, एडमिन ही है यूज़र जो हमारा पासवर्ड सब कुछ, एडमिन आप इंटरनेट सॉफ्टवेयर में जाके अपना एडमिन जो एडमिन आ रहा है हर कोई चेंज कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, तो इसको चेंज कर सकते हैं ईजिली जाके, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट थी, तो इंटरनली इसकी फीचर्स में मतलब कि इंटरनली आप किस तरह से इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं वो एक अलग प्रोसेस है, अलग वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा बना के, जैसे मेरा काम नहीं जस्ट अनबॉक्स करना है और आपको बताना है कि ये किस तरह से काम करता है और ये क्या चीज़ है। तो मतलब काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट मुझे लगी है और काफ़ी मज़ेदार प्रोडक्ट है। तो अब ज़रा आते हैं इसकी प्राइस टैग पे, तो प्राइस टैग इसकी तो यहाँ पे जो दराज पे जो इसकी प्राइस आ रही है वो 1650 रुपीज़ आ रही है इंक्लूडेड शिपिंग करें तो मेरी 80-90 रुपीज़ आई थी, तो मतलब 89 रुपीज़ आई थी, 90 कर लेते हैं तो टोटल बनता है 1739 रुपीज़, तो मतलब 40 उसने लिए, एक रुपया तो उसने छोड़ा नहीं है, तो भाई माफ़ किया मैंने उसे। तो यहाँ से बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है जहाँ मैं रहता हूँ ये उसी सिटी से है, तो विद इन डे डिलीवरी इसकी आ गई थी, तो मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता कि ये इसी सिटी से बंदा ये दे रहा है तो मैं डायरेक्टली उससे अप्रोच करके कम पैसों में ले लेता। तो 1650 रुपीज़ का भी ये हमें यहाँ पर पड़ा है, इससे लो बजट भी है, अगर यही प्रोडक्ट आपको लो कीमत में मिलती है जो कि आगे शायद हो जाए कि लो प्राइस में मिल जाए, तो आप इसको ज़रूर बाय करें, काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है वाईफाई को एक्सटेंड करने में। ये सबसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट फ्लोर पे अगर वाईफाई लगे आप थर्ड फ्लोर पे हो और थर्ड फ्लोर पे आपका जो वाईफाई जस्ट एक सिग्नल देता है और वो चलता भी नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपने ये एक्सटेंडर लगाना है अपने थर्ड फ्लोर पे। सबसे पहले आपने इसको पेयर आउट कर लेना पहले फ्लोर पे जाके उस आपका जो राउटर है उससे, ठीक है, पेयर करने के बाद आपने थर्ड फ्लोर पे इसको लगा देना और थर्ड फ्लोर पे आपको फुल बाय फुल सिग्नल देगा और कमाल चलेगा आपका इंटरनेट, वो भी फुल स्पीड में, जितने एमबीस का कनेक्शन आपका लगा हो जाहिर बात है कुछ ना कुछ इसको भी देगा और फिर आगे आप इजीली इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो होप्स आपको वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।